खिलाड़ी टीम के कैप्टन टीम के भरोसे पर कितना खरा उतर पाते। चलिए मैं एफसी दुमका के टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, वो भी धीरे धीरे हमारे डगआउट की ओर बढ़ता अपने कदम को बढ़ाते हुए आ रहे हैं और एक अच्छी डिसिप्लिन खिलाड़ी का परिचय है। यहां तैयार सामने गोपाल और सामने उनके रहेंगे यहां तीन नंबर के डिफेंडिंग जोन को मजबूती प्रदान करने वाला खिलाड़ी, परंतु देखना होगा यह शॉट किस प्रकार की होगी। और यहां सुंदर शॉट, बेहतरीन गोल, यहां पर फर्स्ट बॉल पर अपने टीम को वह भरोसे पर उतरता हुआ यहां सोरेन स्टार के खिलाड़ी द्वारा। और धीरे धीरे यहां हेलन स्टार के खिलाड़ी भी ट्राइडिकर शॉट की ओर बढ़ता हुआ। और यहां से देखना होगा ये हेब्रम स्टार के खिलाड़ी का शॉट किस प्रकार का होता है, ये कितने फायदेमंद साबित हो पाते हैं अपने टीम के लिए। और सुंदर गोल यहां से, दोनों ही टीम की ओर से दो फर्स्ट खिलाड़ी शॉट लिए हैं, एक एक शॉट पर फायदा लेते हुए अभी तक। राइबाई साहब एफसी दुमका के तमाम खिलाड़ी समय पे सेटे नाम और तैयार यहां फिर से एक बार सोरे मिस्टर के खिलाड़ी 14 नंबर एक बेहतर प्लेयर, लेकिन देखना होगा यहां शॉट कितना बेहतर हो पाता है। यहां से जद्दोजहद है इस टीम के बीच में कि फाइनल में दावेदारी पेश करने का। और देखिए क्या सुंदर एकदम पोस्ट एकदम बिल्कुल किनारे जाकर लगा बॉल और सीधे गोल। और सबको पता है यहां से एक एक शॉट कितना कीमती शॉट हो सकता है, कहा जाए तो एक शॉट 10,000 का शॉट लगाना पड़ेगा, एक शॉट 10,000 का शॉट, 5 शॉट होगा फाइनल में प्रवेश करने, कम से कम एक प्राइज 50,000 का, ये एक शॉट का कीमत 10,000, यहां कोई 10,000 को छोड़ना नहीं चाहेंगे। और सोच दोनों टीम का सेम है, यहां से एक अनुभवी प्लेयर एक बेहतर प्लेयर सुनील का शॉट आएगा। और इस शॉट को ब्लॉक कर लिया सुनील जैसे अनुभव प्लेयर का शॉट यहां ब्लॉक करते हुए, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने टीम के मनोबल को मजबूत करते हुए यहां कीपर मसी द्वारा अपने टीम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूती प्रदान किया है। और यहां तीसरा शॉट लेने के लिए टीम के एक अनुभवी प्लेयर परिमोल धीरे धीरे स्ट्राइकर की ओर बढ़ता हुआ। देखना होगा परिमोल पर जितना भरोसा जताया है उस भरे पर भरोसे पर कितना खरा उतर पाते हैं। सामने तैयार गोपाल
और परिमल का लाजवाब गोलियां। और देखिए हमारे कमेटी जो ग्राउंड के ओर चक्कर लगा रहे हैं, इनकी बातों को थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। ये जो निर्देश दे रहे हैं इसका पालन करें, क्योंकि कल का एक घटना घटी है कि किसी खिलाड़ी के बूट से किसी बैठे दर्शक के पैर पर चढ़ा था, जोखिम हुआ था। वो इसलिए आपसे निवेदन है कि वो कम से कम हमारे वॉलंटियर जो मेहनत करके ऑर्गेनाइज किया, उनका बात को थोड़ा सा आप लोग मान्यता देने का प्रयास करें। यहाँ तीसरा शॉट लेने के लिए तैयार। और देखिए दूसरा शॉट भी ब्लॉक करता हुआ, ये मसी का एक कमाल का कीपिंग नजारा। और यहाँ तीन तीन शॉट लिया गया है, जिसमें से तीनों का तीनों शॉट स्टार सोलिंग स्टार की ओर से गोल में तब्दील किया है। और यहाँ हेमरम स्टार के से मात्र एक गोल किए हैं और कोने से निराशा हाथ लगी है। अगर यहाँ गोल आता है तो ऑटोमेटिकली सोलिंग स्टार की टीम सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। और हर हाल में अगर टीम को बनाए रखना है, जीवित रखना है, तो हर हाल में यहां से इस शॉट को ब्लॉक करना होगा हेमरम स्टार के खिलाड़ी को। परंतु देखना होगा, ये खिलाड़ी भी बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, क्या यहां से वो जीत कर सीधे फाइनल के लिए शॉट लगाएंगे। सामने है एक अनुभवी कीपर। और इस शॉट को ब्लॉक कर लिए हैं। फिलहाल यहां टीम को जीवित रखने में सक्षम होते हुए और सीधा ये शॉट कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी उनके हाथों में जाकर दे डाला, जैसे लग रहा था कि ग्राउंड में खिलाड़ी आपस में प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का शॉट था। लेकिन अभी भी सोलह निशा के पास एक एडवांटेज शेष रह गया है मैच जीतने के लिए, क्योंकि दो बॉल 20 वाहे एक एडवांटेज अभी भी है सोलह निशा के पास। अगर लास्ट बॉल को गोल भी कर देते हैं तो ये मैच जीत जाएंगे फाइनल के लिए। और ऐसे में चुनौती काफी ज्यादा बढ़ गई है पत्रा टीम के लिए, क्योंकि दोनों बॉल को गोल करके उनका अंतिम बॉल को रोकना होगा, तब जाके मैच बराबरी होगी। मुश्किल हर हाल में हर एंगल में अगर आप देखें तो यहाँ पर एफसी हेमरम स्टार पटना का है। चलिए चौथा नंबर पर स्ट्राइक लेने के लिए अब हम देखेंगे बबलू जी को। और बबलू को हर हाल में गोल लगना होगा मैच में बने रहने के लिए। लेकिन मसी मुर्मू के ऊपर भी खास नजर रहेगा, मसी भी बहुत ही एक्टिव गोलकीपर है। अगर इस बॉल को सेव कर लेते हैं तो सीधे सुपर टू में ग्रैंड फिनाले के लिए अपना जगह को सुनिश्चित कर लेंगे और 50,000 रुपया इनके पॉकेट में सुनिश्चित हो जाएगी। चलिए सुंदर गोल। चलिए थोड़ा सा मनोबल बढ़ गया है और यहां से एक संभावना है, लेकिन अभी भी एडवांटेज है, डिसीजन बॉल है, खास करके यहाँ सोलह निशा के पास। और इसे समय पर टिक्कू लकड़ा को उतारा गया है अंतिम शॉटर के रूप में। टिक्कू बहुत ही घातक है, लेकिन क्या यहाँ पर घातक सिद्ध हो पाएंगे। ये होगा 50,000 रुपया का शॉट, गोल होगा तो 50,000 कंफर्म। चलिए टिक्कू जी, पूरी टीम का जो भार है टिक्कू के ऊपर, उम्मीद, एक भरोसा, एक विश्वास, लेकिन क्या अपने टीम के प्लेयर्सों के भरोसे और विश्वास को जीत पाएंगे टिक्कू लकड़ा। और एक जिम्मेदारी वहां पर बनता हुआ बबलू के ऊपर, टीम को जीवित रखने के लिए। और ये देखिए बहुत बड़ा मिस्टेक टिक्कू लकड़ा के द्वारा। और यहां पर एक सुंदर मौका मिल गया, बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी, खास करके पटना टीम के लिए मैच में वापसी आने का। आज ढोंकाना बेहतर अवसर को जाम किया, खास करके पटना टीम। और इनको सर हमको नहीं लग रहा था कि पटना यहाँ पर मैच में वापसी आ पाएंगे। यही तो होता है खेल, खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है।
ये बिल्कुल अनुमान लगाना, इसके बारे में कल्पना करना बिल्कुल मुश्किल लगता है, हर इंसान को मुश्किल होगा। रिंकू सर, और बिल्कुल सुशील, हम ही नहीं बल्कि यहाँ तमाम दर्शक जो इस मैच का आनंद ले रहे हैं, किसी को इस बात का थोड़ा सा भी संकेत नहीं था कि इस प्रकार का मैच इस स्तर तक लेंगे, जहाँ यहाँ सॉरेन स्टार की टीम अच्छी पोजीशन में थी, लीड करती हुई नजर आ रही थी, उनके पास दो दो ऑप्शन था, अगर दोनों का दोनों गोल ना होना तो बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है। हाँ जी बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ पर देखा गया पटना की टीम दूसरे और तीसरे बॉल को लगातार मिस किए, वैसे ही यहाँ पर जिस प्रकार से एडवांटेज मिला था सॉरेन स्टार को, इन्होंने लगातार जो डिसीजन बोल था चौथा और पांचवा शॉट को मिस किया, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है खास करके सॉरेन स्टार के लिए। अगर इस बोल को गोल कर देते हैं तो यहाँ से मैच बराबरी हो जाएगी और मैच सरेंडर तक पहुंच जाएगी। तो क्या इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट करेंगे रायला बेसरा अपने शॉट के माध्यम से? रायला अच्छे खिलाड़ी है लेकिन इनका योगदान अपने टीम के लिए कितना सार्थक सिद्ध होगा ये देखने वाली बात होगी। धड़कने तेज हो गई है, बेहतरीन गोल, और इसी के साथ मैच को बराबरी कर लिए हैं और बहुत बड़ा पछतावा होगा हमारे एफसी सॉरेन स्टार की टीम को, क्योंकि जीत के द्वार से ये कहीं ना कहीं वापस लौट के आ गए हैं जहां से ये जीत सकते थे। और वाकई में सुशील, जब से यहाँ डोमिनी जैसा खिलाड़ी कीपिंग का जिम्मेदारी संभाला तो कहीं ना कहीं मैच का रुख नतीजा जो था वो बिल्कुल बदल डाले हैं, उनके आने पर कहीं ना कहीं ओपोनेंट को थोड़ा सा अलग सा महसूस हुआ है और कहीं ना कहीं अपने टीम को ज्यादा मजबूत किया बबलू। तो चलिए यहाँ पर सरेंडर का प्रोसेस लागू हो गया है और इस बार सरेंडर का पहला बॉल शॉट लेने के लिए यहाँ से टीम के अनुभवी प्लेयर्स, ये हमारे 10 नंबर मोहन सोरेन सामने है कीपिंग जोन को संभालते हुए, अच्छा मजबूती दिए है बबलू ब्रांडी, दोनों टीम के प्लेयर्स 100% देने का प्रयास। सुंदर से अब बड़ा झटका होगा, ये हमारे सॉरेन स्टार टीम के लिए बहुत बड़ा झटका, अगर यहाँ गोल हो जाती है तो मैच को जीत लेंगे हेमराम स्टार पटना, ये तो पलटवार हो रहा है और क्या कमाल का ये पेनल्टी शॉट आउट, खेल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है रिंकू सर इस पेनल्टी शॉट आउट में, क्या राय है आपका इस मैच में? और बिल्कुल सुशील, यहाँ दर्शकों का देखिए किस तरह का नजरें किस तरह दिखाई रखी है और ओपनिंग टीम के खिलाड़ी कितना उत्साहित है, यहाँ देख सकते हैं आप हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने सबका यहाँ धड़कने तेज है और वाकई में इस तरह का मूवमेंट पैदा किया है दोनों टीम, कहीं ना कहीं यहाँ से लगभग मैच का नतीजा कुछ भी किसी कल्पना भी ले सकता है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे में जिस प्लेयर्स को चुना गया है ये टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है और अनुभवी भी, अगर प्लेयर की अपेक्षा इनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से जो परिवर्तन लाए हैं कीपर में बबलू मुर्मू को उतारा गया है कीपर की जोन में, तो यहाँ पर बबलू की मैं जब जब इनका जो डाइव हमने देखा है खास करके इसे मुश्किल के अवस्था में, बबलू ने भी कई बार अपने टीम को मुश्किल अवस्था से उभारा है, लेकिन इस बार बबलू मुर्मू सॉरेन स्टार के टीमों में क्या जान दे पाएंगे, अगर इस बॉल को रख लेंगे तो मैच बराबरी हो जाएगी और ये होगा डिसीजन बॉल पटना के लिए। चलिए और ये देखिए बहुत बड़ा विषय, जिस उम्मीद जिस भरोसे जिस विश्वास के साथ श्रीराम को भेजा गया वो अनुभव इनका काम नहीं किया और बड़ा काम किया है यहाँ पर बबलू ने, और वाकई में सुशील आज लगता है हमें कहीं ना कहीं बबलू का ही दिन है ना, फर्स्ट में यहाँ हेमराम स्टार के ओर से बबलू जब कीपिंग जिम्मा संभाला तो मैच को अलग सा रूप तैयार कर दिए, जब यहाँ सॉरेन स्टार के ओर से बबलू आए तो वहाँ मैच जहाँ लग रहा था कि नहीं यहाँ से हेमराम स्टार की टीम मैच को जीत सकती वहाँ से मोमेंट को चेंज कर दिया और बड़ी खुशनसीब बात है कि आज हमारे जो ऑन फील्ड रेफरी वो भी बबलू जी है। चलिए तो चलिए मैच ग्राउंड पर तीन तीन बबलू का भूमिका अहम कंट्रीब्यूशन आप देखिए, एक है मैच रेफरी बबलू जी, दूसरा यहाँ पर दोनों टीम के गोलकीपर के जोन में अपना बेहतर प्रदर्शन देते हुए एक है बबलू मुर्मू और एक है बबलू मरंडी और एक है रेफरी बबलू हंसदा,
तीन तीन टाइटल के ग्राउंड के अंदर बेहतर योगदान देते हुए। चलिए इस बार सदन देश का अगला बॉल आठ नंबर पर ने खिलाड़ी इस बार हिंगई सोरेन हिंगई का शॉट हम देखेंगे। बेहतरीन गोल अब करना होगा आपको भी गोल। यहाँ दोनों बबलू में से जीत किसकी होगी तो ये नहीं पता, लेकिन हम एक बबलू का जीत निश्चित मान सकते हैं। हमारे दौर फिर रेफरी बबलू का जीत निश्चित है क्योंकि आज मैच तो ये फाइनल खेली गई खेलाई गई। और जी बिल्कुल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल रहा है ये इस बार गोल चाहिए पटना टीम को और ऐसे समय पर दानियल को उतारा गया है। और हमारे ऑफिशियल मंच की ओर से सगमदेत का जो फर्स्ट गोल था उसमें शॉट लेने के लिए दानियल के लिए वोट इधर से बहुत ज्यादा जा रहा था, लेकिन आखिर करके उनको मौका मिल ही गई सातवें नंबर पर। क्या दानियल अपने सपोर्टर की उम्मीद में खड़े उतर पाएंगे? दानियल चार नंबर हर हाल में गोल लगना होगा मैच को बराबरी रखने के लिए। चलिए बेहतरीन गोल दोनों टीम बराबरी पर। और जिस प्रकार से यहां पर गोल लगे हैं दानियल तो यहां पर अगर इनको पहले भेजा जाता तो शायद यहां पर गोल करके मैच को जीत सकते थे, ऐसा भी बहुत उनका सोच है। लेकिन चलिए अपना जुगाड़ को बाहर निकालिए, अपना अपना जो जुगाड़ है छाता है या पानी से बचने के लिए जो जुगाड़ लेकर के आए हैं वो आप